नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बता रहे हैं माँ धूमावती का प्रकट उत्सव और इस देवी की क्या है विशेषताएं, आप लोग जानिए। माँ धूमावती का प्रकट उत्सव ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये जयंती 8 जून 2021 शुक्रवार को मनाई जाएगी। और जानते हैं माता धूमावती की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर एक है कि प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या हैं। 10 महाविद्या के 3 समूह होते हैं। पहला है सौम्यकोट, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला, और दूसरा है उग्रकोटी, अनिकाली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगुलामुखी। तीसरा है सौम्य उग्रकोटी, अनितारा, त्रिपुर, भैरवी, और माता धूमावती जो है 10 महाविद्याओं में से एक जो है सातवीं देवी हैं और सातवीं उग्र शक्ति। दूसरा जो है माता धूमावती की उग्र साधना होती है और अघोर पंथ के तांत्र मार्ग के लोग जो है धूमावती की साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। चातुर्मास में देवी का प्रमुख समय होता है जबकि इनकी साधना की जाती है। कहते हैं कि धूमावती कोई भी जो है स्वामिनी नहीं है और जानिए ये जो है विधवा माता मानी गई है। धूमावती महाशक्ति स्वयं जो है अपने आप की खुद नियंत्रण करती हैं। ऋग्वेद में राति सूक्त में इन्हें जो है सुतरा कहा गया है, अर्थात जो है सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें जो है कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य जो है अस्त्र है सूप, जिसमें कि ये समस्त विश्व को समेट करके महाप्रलय कर देती हैं, और इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। देवी की साधना से जीवन में निडरता निश्चितता आती है और इसकी साधना और प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है, सुख समृद्धि आती है, और इनकी साधना से इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के साधक के समस्त रोग और समस्त कष्ट को निवारण करती हैं, शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस शक्ति की ख्याति हो जाती है। धूमावती का मंत्र मोती की माला से 9 माला ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा, या ओम धूम धूम धूमावल्लई फट, या धूम धूम धूमावती ठा ठा मंत्र का जप कर सकते हैं। और जप के लिए नियम जो है ज़रूर पूछें, जानकारी हासिल करें, किसी गुरु की साधना के जो है अंतर्गत करें, किसी गुरु के सानिध्य में करें तो जो है विशेष लाभ होता है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।